हाय फ्रेंड्स, मैं डोबरमैन डॉग ऑफिस जी आराम देवड़ा, और ये हमारे डोबरमैन है और ये नैन्सी है जो कि अभी खाने में व्यस्त है, और ये हमारा हैप्पी है, देख सकते हो हैप्पी। ये हमारा हैप्पी अंदर गया जो, और हमारा डॉलर भी हमारे साथ है और अच्छे खेलते हैं और घूमते हैं। हमारी नैन्सी खाने का पूरा मजे से खाती है। और ये हमारी यूरोपियन गर्ल फ्रूटी और यूरोपियन बॉय डॉलर, जो कि इनको हम पिंजरे में केज में पिंजरे में देना खाना देना पड़ता है, ताकि क्या है कि इनका खाना अलग होता है और इनका अभी क्या है कि ये बच्चे हैं। ये हमारी 7 महीने की बच्ची फ्रूटी है और ये 9 महीने का बच्चा अभी डॉलर है। और ये हमारा हैप्पी और ये हमारे नैन्सी, ये हमारे बच्चे पुराने डॉलर हैं। इनकी उम्र हो गई होगी कम से कम 2-2.5 साल के होंगे, 2.5-3 साल के हो गए होंगे ये। और अभी इनके बच्चे भी अवेलेबल हैं, किसी भाई के चाहिए तो बता देना। ये फादर है, फादर की क्वालिटी आप देख सकते हो, उसकी बहन देख सकते हो, और ये मदर। ये हमारा हैप्पी है, इसको मैं नहीं बोलता कि अमेरिकन है, लेकिन आप देख लो आप यूरोपियन और अमेरिकन में क्या अंतर है। ये हमारा अमेरिकन बॉय है, तब भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। अभी हमारी नैन्सी बहुत ही खुले में विचरण करते हैं, ये खेलने कूदने के लिए जगह बहुत ही अच्छी है। दिन भर ये मस्ती और मस्ती बहुत करते हैं, नीचे लकड़ियाँ डाल रखी है, ये नीचे खोद के खड्डा खोदते हैं हमारे लिए खजाना ढूंढने के लिए। इतने खड्डे कर रखे हैं कि डेली बूढ़ बूढ़ के मैं पागल हो जाता हूँ। कल मैंने जाम की कलम लगाई थी तो वहाँ पर भी मैंने रात को खड्डा कर दिया, तो इतना खड्डा किया कि बस उसको सुबह मैंने। और ये हमारे जाम का पैड, और इसके ऊपर अब अच्छे अच्छे ताज़े ताज़े नए नए जाम आने वाले हैं, देख सकते हो आप अच्छी ग्रोथ के साथ में। मेरे को क्या है कि गार्डनिंग का बहुत शौक है, गार्डन लगाना मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए हमारे अशोक के वृक्ष लगा रखे हैं। और ये जाम की कलम भी मैंने लगाई थी, अब देखो उसका क्या होता है रिजल्ट, फूटती है कि नहीं फूटती है। जहाँ कहाँ से देख रहे हो हमारा वीडियो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं हमारे डोबरमैन आपको कैसे और क्या लगते हैं। हमारे डोबरमैन बहुत ही अच्छे हैं, और मैं आपको हमारे फ्रूटी और डॉलर को भी दिखा सकता हूँ। ये हमारी फ्रूटी, डॉलर अभी खाना कम खाता है और फ्रूटी उसका भी खाना खा लेती है। डॉलर, ये हमारा यूरोपियन बॉय, देख सकते हो कैसे लेंथ हुई है। और ये हमारी यूरोपियन गर्ल फ्रूटी, जो कि अभी 6 महीने की और केशी है, ये पेपर के साथ में। ये हमारी फीमेल है, अगर किसी को केशी के बच्चे चाहिए तो भी मिल जाएंगे, मेल भी केशी और फीमेल भी केशी है। इसका फादर रशिया से है और ये इंपोर्ट का बच्चा डॉलर है। अभी ये क्वालिटी बनेगी, अभी तो इनकी ब्रीडिंग कम से कम नहीं माना तो ये 1.5-1.5 साल की हो जाएंगे, इसके बाद इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। अभी तो बस आपको दिखा रहा हूँ कि किसी को भी हमारे ब्रीडिंग के पपी चाहिए तो अभी अवेलेबल हैं, और यही हमारी डोबरमैन की फैमिली है, देख सकते हो आप। हैप्पी और नैन्सी ने खाना ख़त्म कर दिया है, इसको भी ये पसंद है थोड़ा, तो ये भी खाती है, लेकिन अभी क्या है कि जब तक ये 1.5 साल की नहीं होती इसका खाना चेंज नहीं होगा। इसको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो इसके लिए ये खाना देना बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है, न्यूट्रिशन और विटामिन सब टोटल इसके अंदर होती है। और किसी भी भाई को अगर अपने पप्पी को अच्छा और एडल्ट डॉग को भी दे सकते हैं,
ये बॉन्टेक की टैबलेट है, बहुत ही अच्छी टैबलेट है और 10 kg पे एक टैबलेट दी जाती है। इससे डॉग का बोन अच्छी होती है और बहुत ही हैवी होता है और अच्छी विटामिन मिल जाती है। इंटास कंपनी का है ये। कैल्शियम इसमें 600 मिलीग्राम होता है और फास्फोरस भी बहुत अच्छा होता है 464, और मैग्नीशियम 20%, विटामिन D3 400 IU। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, आप अपने डॉग को जरूर दीजिएगा। डॉलर बाहर आ जा, खाना खा ले डॉलर, खाना नहीं खाता, नाटक करता है तू। ये इसकी वाइफ है, वाइफ फ्रूटी, और ये डॉलर, दोनों अलग अलग ब्रीड से है। ये हमारी फ्रूटी केरला से लाई हुई है, ये भी इंपोर्ट की बच्ची है, बहुत ही अच्छी बच्ची है ये भी। इसकी ब्रेड एंड बहुत अच्छी है, कलर देख सकते हो आप कितना डार्क कलर है। किसी भी भाई को मेरा होम ब्रीडिंग का चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हमारे डॉग कितने अच्छे लगते हैं आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे डॉबरमैन का शौक़ है, शौक के साथ रखता हूँ, ये हमारा धंधा नहीं है, हमारा बिजनेस अलग है। मैं और फ्रूट और वेजिटेबल की शॉप है अपनी, और डॉबरमैन मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं केवल डॉबरमैन ही रखता हूँ। मेरे को डॉबरमैन का बहुत शौक है, इसलिए मैंने थोड़ी लाइन चेंज करने के लिए यूरोपियन भी लेकर आया हूँ कि भाई लाइन थोड़ी चेंज हो जाए तो यूरोपियन भी रखना ज़रूरी है। मेरे को यूरोपियन भी अच्छे लगे इसलिए ये लेके आया था। इसकी मैं पहले तो इसकी सिस्टर लेके आया था, लेकिन सिस्टर पारों के हिसाब से ख़त्म हो गई, तो फिर उसको उसके बाद में इसका ये ब्रदर लेकर आया कि भाई कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसका ब्रदर लेकर आया। ब्रदर भी बहुत ही हैवी था और सिस्टर भी बहुत हैवी थी, और अभी तो ये अपने प्रचंड रूप में आया नहीं है, और जब ये अपने प्रचंड रूप में आएगा, जब आप देखना कि क्या डॉबरमैन लगता है, यूरोपियन डॉबरमैन कैसा लगता है, आपको पता चल जाएगा। अभी भी इसकी बॉन देख सकते हो आप कितनी हैवी है, और ये हमारी फ्रूटी, ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है। अभी फ्रूटी भी तैयार हो रही है धीरे धीरे। फ्रूटी बहुत ही चंचल गर्ल है एकदम, बहुत ही ये एग्रेसिव नहीं है ये हमारे डॉबरमैन, और एग्रेसिव होते हैं जबकि जब कोई बार का आता है तो एग्रेसिव होते हैं, उससे पहले ये किसी को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। और हमारी फैमिली में ये बहुत ही अच्छे डॉग हैं और बहुत ही मस्ती वाले डॉग हैं। अभी ये खाना खा के आ गई है, और इसका कटोरा ये बाहर लेके आ गई है कि भाई इसकी सफाई कर दो आप। और खूब मस्ती करती है, खूब खड्डे खोदती है, ये मेरे लिए खजाना ढूंढने का काम यही करती है। और अब मस्ती से खाना खाते हैं, ये खाने के लिए भी नहीं मरते हैं, आराम से घूमते फिरते खाना खाते हैं ये, क्योंकि इनको इतना भूखा रखते ही नहीं है ताकि ये खाने के लिए ललायत हो और भौंके एग्रेसिव लड़ाई करें, नहीं, खाने के लिए बहुत ही अच्छे डॉग है। और ये फ्रूटी कम बेटा, फ्रूटी इधर आ, फ्रूटी इसको कुछ ढूंढना है। और ये हमारा हैप्पी, नहीं सॉरी डॉलर, हैप्पी हमारे लिए खास था और खास है और खास रहेगा, क्योंकि हैप्पी मेरा फर्स्ट डॉबरमैन डॉग है, मेरी फर्स्ट चॉइस है हैप्पी, और बहुत ही सीधा और कोना डॉग है। ये हमारी नैन्सी, नैन्सी को हमको किसी ने गिफ्ट किया था, वो भाई साहब इससे तंग आ गए थे कि हमको नैन्सी अब नहीं रखनी है, तो मैंने बोला कि हमको दे दो, हम इसको बहुत ही प्यार दुलार से रखेंगे। और ये भी अभी भी हमारे होम ब्रीडिंग की शान है, ये बहुत ही प्यारी है ये भी, और फुल एग्रेसिव है, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ये होनहार है, और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी करती है। अभी ये सिक्योरिटी के मामले में
देख सकते हो कि बहुत ही अग्रेसिव है, किसी को कि अपनी सरहद में किसी को नहीं घुसने देती है। रही बात हमारे डॉलर डॉलर सब सब एग्रेसिव है, देख लो डॉलर डॉलर इधर बेटा, अंदर नहीं जाना। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किसी भाई को भी बच्चा चाहिए तो हम ऑल इंडिया तो पहुंचा नहीं सकते, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे घर पे आके लेके जाइए बच्चा, तो हमको भी खुशी होगी कि भाई कोई डॉग लवर है। और रही बात डिलीवरी की, तो गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, अमरेली सब जगह मैंने अपने डॉबरमैन भेजे हैं, और MP में भेजे हैं, हरदी ज़िले में, इंदौर में अपना बच्चा गया हुआ है इधर से, और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की वादियों में भी हमारे डॉग्स गए हुए हैं। आपको पता ही होगा मैंने वीडियो चढ़ाया था जब लेने आए थे, तो यहाँ से हमारे 4 बॉय लेके गए थे वो, और हिमाचल की वादियों में धमाल मचा रहे हैं वो। ये देखो, बोला ना मैंने मस्ती काफी है, ये तो खाना ये आराम से कम से कम आधे घंटे में पूरा करेंगे, खेलते कूदते खाएंगे खाना, अभी तो बाकी है। और मेरे मानने से आप तो अच्छी बात है, अगर आप डॉग तैयार करना चाहते हो तो रॉयल कैनल स्टार्टर डॉग को जरूर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। और ये अभी भी रॉयल कैनल स्टार्टर ही खाते हैं, अभी मैंने इनको थोड़ा बीज की वो कैलन क्लिक की पेडिग्री लाई है ताकि थोड़े बड़े हो चुके हैं और मेरे बजट में भी ठीक है ये, तो आप भी खिलाइए, बहुत ही हेल्थी है, 30% प्रोटीन आती है और 28% मल्टीविटामिन आता है शायद, मेरे को पता नहीं, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, लेकिन अच्छी पैटेगरी है। हैप्पी